इवनिंग फ्रेंड्स, और बताइए कैसे हैं आप सर। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, अभी जो है शाम के 7:15 बज रहे हैं, और जैसे कि आपके साथ मैंने शेयर किया ही था कि दीदी चली गई हैं, सच में आज का जो दिन है ना, इतना बेकार निकला है कि मैं आपको क्या बताऊं। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है दीदी कह गई, घर में से रौनक ही चली गई। क्योंकि होता है ना, कोई आ जाता है फिर वो जाता है, तो बहुत बेकार लगता है। स्पेशली गुड़िया की वजह से ज़्यादा बेकार लग रहा है, क्योंकि गुड़िया की वजह से काफ़ी रौनक हो गई थी। सभी लोग खिलाते रहते थे, काफ़ी अच्छा लगता था। तो आज ना बहुत बेकार लग रहा है सच में। और आप सभी को पता है कि दिन में मैं ना बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ, बट आज ना सारे काम धाम निपटाने के बाद मैं ऐसी सोई हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। 5:45 बजे शाम को मैं उठी हूँ, और अब 7:15 का टाइम हो रहा है। अभी जो है डिनर वगैरह की कोई भी तैयारी नहीं है, कुछ भी अभी नहीं हुआ है। और हस्बैंड जो है कुछ सामान लेने के लिए गए हैं, तो बच्चे भी जो है उन्हीं के साथ गए हैं। तो खाने में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं, तो हस्बैंड बोले कि मैं एग ले आता हूँ, उसकी जो है भुर्जी बना लो और जो है रोटी बना लो। तो बस वही जो है मैं बनाऊंगी, तो हस्बैंड आ जाए एग लेकर। तब तक मैं जाकर जो है आटा वगैरह लगा कर रख देती हूँ। तो बस यही है, बहुत बेकार लग रहा है सच में। आप सभी जानते हैं, सभी के साथ ऐसा होता है, कोई आ जाए और फिर एकदम से जाए ना, तो बहुत बेकार लगता है। तो वही हाल है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। घर एकदम सूना सूना लग रहा है बिल्कुल। तो होता है यही, तो उसमें वेट कर रही हूँ हस्बैंड के आने का कि वो आ जाए, और फिर जो है मैं अपने डिनर की तैयारी करूँ। वैसे भी काफी लेट हो गया है, और सुबह से तो फिर जो है बच्चों का स्कूल वगैरह है, सुबह से फिर वही अपना सब रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। बस यही है कि दीदी आई थी तो काफी जो है अच्छा लग रहा था, बट आज बहुत बेकार लग रहा है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल भी जो है रौनक नहीं है घर में, बिल्कुल भी। तो मैं आप लोगों से बातें कर रही थी ना, तभी हस्बैंड और बच्चे आ गए थे साथ में। हस्बैंड के साथ ना हस्बैंड के जो है थोड़ा जानने वाले आ गए थे, तो वो भी जो है घर पर ही आ गए थे। हस्बैंड को मिल गए थे रास्ते में, तो हस्बैंड उनको ले आए थे क्योंकि पार्क है ना, तो आते रहते हैं घूमने फिरने, तो कोई जान पहचान का हस्बैंड को मिल जाता है तो वो ले आते हैं। तो उनके लिए मैंने चाय बनाई, तो उनको चाय वगैरह पिलाकर जो है उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर जो आटा है वो लगा कर रखा, क्योंकि जब तक बाकी की जो तैयारी मैं करूँगी ना, तब तक आटा हमारा फूल का सॉफ्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आपको बताया था, मैं बनाने वाली हूँ एग भुर्जी की सब्जी। तो यहाँ पर प्याज टमाटर हरी मिर्च वगैरह सब मैंने कट कर ली, एग को अच्छे से फेंट लिया, उसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, नमक, थोड़ा सा जो भी थोड़े थोड़े मसाले थे वो मैंने ऐड किए। उसके बाद सबसे पहले मैंने उसकी भुर्जी बना ली है, जिस तरह से भुर्जी बनाते हैं। उसके बाद हम इसकी जो है अब बनाएंगे सब्जी। तो वैसे मैं जो मसाला होता है प्याज टमाटर वगैरह पीस के बनाती हूँ, उस तरह से बनाते हैं ना तो ग्रेवी काफ़ी अच्छी हो जाती है, बट आज थोड़ा सा मुझे जल्दी थी क्योंकि वैसे भी लेट हो गया था। फिर वो आ गए हस्बैंड के जानने वाले, तो चाय वगैरह में थोड़ी बहुत देर वो बैठे, बात वगैरह हुई, तो उसमें भी जो है थोड़ा टाइम निकल गया। तो बस मैंने ऐसे ही जो है प्याज टमाटर चॉप कर लिए थे, बस इसी से ही मैं बनाने वाली हूँ। अच्छी ऐसे भी लगती है, बस ये है कि इससे जो थोड़ा जो ग्रेवी होती है वो गाढ़ी नहीं हो पाती है, अगर पीस लेते हैं तो ग्रेवी अच्छी गाढ़ी हो जाती है। तो मैं दोनों काम साथ साथ कर रही थी, एक साइड मैंने जो है सब्जी रख दी थी बनने के लिए और एक साइड में फटाफट से रोटियां बना रही थी। तो अब प्याज हरी मिर्च जो थी उसको मैंने हल्का सौटी किया, उसके बाद टमाटर डाल दिया, फिर जो नमक होता है वो डालकर उसको ढककर छोड़ दिया, जिससे कि जो टमाटर हैं वो अच्छे से पक जाएँ। जब टमाटर पक गए तो मैंने जो ड्राई मसाले होते हैं थोड़े थोड़े से वो सारे ऐड कर दिए हैं, और इसको जो है मटर डालकर भी बनाते हैं, वो काफ़ी अच्छा लगता है, बट मटर मैंने आज नहीं डाली, मेरा मन नहीं था। तो इस तरह से भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो बस मसालों को जो है थोड़ा सा पानी डालकर मैंने छोड़ दिया है, जिससे कि मसाले हमारे अच्छे से भुन जाएं, ताकि हमारी जो ग्रेवी है थोड़ी सी अच्छी बन जाए। और एक साइड में रोटियां बनाती जा रही थी, तो इधर जो है हमारे मसाले भी काफ़ी अच्छे से जो थे वो भुन गए थे। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, ग्रेवी जितना रखनी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी अच्छी नहीं लगती है, हल्की हल्की सी ही ग्रेवी जो है इसमें अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा अगर इसमें आप ग्रेवी कर देंगे ना तो पतली हो जाएगी, और जो भुर्जी होती है उसमें ग्रेवी मिक्स तो होती नहीं है, तो भुर्जी अलग हो जाएगी और जो ग्रेवी पानी पानी सा होगा वो अलग हो जाएगी, तो खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो बस यहाँ पर
पानी में अच्छे से उबाल आ गया था, फिर उसमें मैंने एग भुर्जी डाल दी और साथ के साथ ही इधर मेरी सारी रोटियां भी बन गई थी, तो दोनों काम मेरे साथ के साथ हो गए थे। तो हमारी एग भुर्जी की सब्जी एकदम से रेडी है, बहुत ही बढ़िया लगती है। अगर ट्राई नहीं की है तो एक बार आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बस यहाँ पर जो है हस्बैंड जो है फिर से किसी काम से चले गए थे, तो अभी जो है वो नहीं आए थे, तो मैंने खाना बनाकर बर्तनों में दूसरे बर्तनों में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो मैंने कहा पहले जब तक किचन क्लीन कर लेती हूँ, अभी टाइम है तो हस्बैंड को आने को, और जब हस्बैंड आ जाएंगे तो जो डिनर है वो कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरा जो अपना किचन था वो अच्छे से पहुँच कर क्लीन किया, झाड़ू लगा दिया, तब तक हस्बैंड भी आ गए थे। उसके बाद हमारा जो डिनर था वो हो गया था, और बस अब यहाँ पर जो सारे बर्तन है वो मैं धुलकर रख देती हूँ। और इस टाइम ना क्या हो रहा है कि बाहर जामुन का पेड़ है ना, जैसे कि आपको पता है, तो उस पर काफ़ी फूल आ रहे हैं, तो फूल की वजह से ना उस पर मधुमक्खियाँ आने लगी हैं, तो दो चार जो है घर में घुस आती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी डर लगता है कि कहीं काट ना लें। तो देखिए मैं बर्तन धुल रही थी और इधर जो है हस्बैंड लगे हुए थे जो मधुमक्खियाँ आ गई थी ना उनको मारने में, तो कहीं ना कहीं दो चार जो है थी तो वो हस्बैंड जो है देख देख के मार रहे थे, क्योंकि बच्चे हैं तो थोड़ा डर लगता है कि कहीं काट ना लें। बट अब जब तक फूल रहेगा ना ये दिक्कत रहने वाली है, क्योंकि फूल पर जो है वो आके बैठ जाती हैं ना, फिर गेट खुला होता है तो अंदर भी आ जाती हैं। तो यहाँ पर बर्तन वगैरह सब हो गए और हस्बैंड ने भी अपना जो काम था वो ख़त्म कर दिया। उसके बाद आ गई मैं अपना फेस वॉश करके, और यहाँ पर देखिए अभी की और उसके पापा की हो रही है मस्ती, और अभी मुझे काटने आ रहा था तो मैं उससे बोल रही थी अब मैं काट लूँ, तो बस वही हम लोगों का जो है हो रहा था। देखिए सबके साथ वो ऐसे ही जो है नाटक कर रहा था काटने का, काटूँ काटूँ ऐसे बोल बोल के जो है काफ़ी जो है उसकी मस्ती चल रही थी। तो बस फेस वॉश करने के बाद मैंने अपना जो है जो स्किन केयर होता है नाइट का वो किया, लोशन क्रीम वगैरह लगाई। उसके बाद यहाँ पर बैठ गई मैं आराम से अपना हेयर में जो सीरम है वो लगाने के लिए। आपको पता ही है कि मेरी जो है ट्रीटमेंट चल रही है स्कैल्प की, जो मेरे प्रॉब्लम रहती है, तो बस वही मैं बैठकर लगा रही थी और अब काफ़ी आराम है। मैंने एक बार आपको दिखाया था ना तो बहुत ज़्यादा एकदम रेडनेस जो हो गई थी ना, तो अब रेडनेस नहीं है एकदम से, देखिए ठीक तो नहीं होगा बट ये है कि हाँ बहुत ज़्यादा जो रेडनेस थी और बहुत ज़्यादा जो एकदम दुखता था ना वो काफ़ी आराम है। बट ये है ना कि ये बहुत कॉस्टली आते हैं सच में, और छोटे से होते हैं बहुत जल्दी खर्च हो जाते हैं। और अब मैं यहाँ मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में, तो यहाँ पर मैं अभी को स्कूल ले जाने के लिए रेडी कर रही थी, तभी मुझे याद आया मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे थे कि अभी का जो है स्कूल बैग उसका पूरा यूनिफॉर्म स्टेशनरी वगैरह शेयर कीजिए। तो बस यही है, ये अभी का बैग है, ये उसका पेंसिल बॉक्स है, और ये दो टिफ़िन है अभी के, ये वाला जो है ये मैंने मीशो से मंगाए थे पहले बाबू के लिए, तो ये दो के कॉम्बो में आए थे, तो एक ये नया रखा था, तो ये अभी के लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ। जब उसे ज़्यादा चीज़ें देनी होती हैं फ्रूट्स वगैरह कुछ और, तो मैं वो वाला यूज़ कर लेती हूँ। और ये मैंने नया मंगाया है स्टील का, वो वाला प्लास्टिक का है बट ये स्टील का मैंने मंगाया है, जैसा बाबू का था वैसा। तो ये है, ये जो है अभी मंगाया था मैंने बाद में, तो और ये जो बोतल थी ये हस्बैंड पहले ले आए थे, और जो दूसरी बोतल है ये ब्लू वाली और वो ग्रीन वाला लंच बॉक्स ये मैंने साथ में ही मंगाए थे। प्राइस वगैरह मुझे इनका पता नहीं है, क्योंकि हस्बैंड वहीं से लेकर आए थे जहाँ उनके ऑफिस का सामान मिलता है, तो और भी सामान था उसी के साथ ही ये आ गई थी। ये अभी की जो है बुक्स हैं, इसमें दो तीन बुक्स हैं, ड्राइंग है और दो नोटबुक हैं, तो एक नोटबुक स्कूल में रह गई थी। ये सॉक्स हैं अभी के, ये बेल्ट है, और जो है ये यूनिफॉर्म है येलो कलर की, और एक सेम ऐसी ही ब्लू कलर की है जो आपने देखी होगी। तो ये दो यूनिफॉर्म हैं जो कि स्कूल की तरफ से ही मिली हैं, यूनिफॉर्म, बैग, सॉक्स, बेल्ट और जो भी बुक्स वगैरह हैं वो स्कूल की तरफ से ही मिली हैं, और टिफ़िन, वाटर बॉटल और जो शूज़ होते हैं वो हमने ख़रीदे हैं। और शूज़ तो नॉर्मली वही ब्लैक ही होते हैं। तो बस यहाँ पर हम थोड़ा सा लेट हो रहा था, तो बस जल्दी से कपड़े वगैरह चेंज कर कर मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर अभी का जो टिफ़िन है वो पैक कर देती हूँ। मैंने बनाई थी कासीफल की सब्ज़ी, तो थोड़ा सा बस कासीफल और साथ में जो पराठा है एक वो मैं रख दूँगी, और वाटर बॉटल। और एक चीज़ ये अच्छी है ना कि मैं अभी के टिफ़िन में रखती हूँ ना जो भी, वो पूरा फिनिश करके आता है वहाँ पर, उसकी जो भी टीचर जो भी मैम वगैरह है ना काफ़ी अच्छे से बच्चों को खाना खिला देती हैं,
पूरा जो टिफ़िन है वो उसका फिनिश होके आता है, तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लगता है। आज भी कासीफल की सब्ज़ी रखी थी, बट वो पूरा जो है पराठा फिनिश करके आया था, सब्ज़ी भी काफ़ी अच्छी उसने खाई थी। तो चलिए बस अभी को अब मैं ले जाती हूँ स्कूल, और इस व्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड। आशा करूँगी आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।